आज हम कक्षा 12 मैथमेटिक्स भाग 1 अध्याय 2 की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्ति फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कहा जाता है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिलोम वृत्ति फलन किसे कहते हैं, प्रतिलोम वृत्ति फलन है क्या। हाई स्कूल में जो हमने पढ़ा हुआ था त्रिकोणमितीय फलन, और यह है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका नाम प्रतिलोम वृत्ति फलन भी है। तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जैसे यदि मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर एक्स दिखा हुआ है, यदि साइन को हम पक्षांतर करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स, ये जो लिखा हुआ है इसमें माइनस वन जो आप लोग देख रहे हैं, यह पावर नहीं है, घात नहीं है। इस माइनस वन को इनवर्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। यानी यह जो माइनस वन है यह घात नहीं है। यह आप लोगों को ज्ञात करा दें कि साइन इनवर्स एक्स को वन अपॉन साइन एक्स लिखना गलत है। यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, साइन एक्स पर माइनस वन को वन अपॉन साइन एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो माइनस वन है यह पावर है, घात है, लेकिन यह माइनस वन पावर नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह माइनस वन इनवर्स फंक्शन को डिनोट करता है, इसे हम लोग इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम वृत्ति फलन कहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स इसे पढ़ा जाता है, प्रतिलोम वृत्ति फलन जिसको हिंदी में बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। इन माइनस वन को इनवर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। यह है साइन इनवर्स एक्स, इसे प्रतिलोम वृत्ति फलन कहा जाता है। इस प्रकार अन्य प्रतिलोम वृत्ति फलन हम देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिलोम वृत्ति फलन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है, वह छह होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। कुल छह इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम वृत्ति फलन को हम लोग इन बोलचाल की भाषा में इनवर्स फंक्शन ही कहते हैं। और यह इनवर्स फंक्शन का तात्पर्य प्रतिलोम वृत्ति फलन से है। ये जो प्रतिलोम वृत्ति फलन होता है, जो इनवर्स फंक्शन होता है, ये छह होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। जिस प्रकार हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या छह है, उसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या भी छह है, जो आप लोग के सामने प्रदर्शित किया गया है, साइन इनवर्स एक्स से लेकर के कॉसेक इनवर्स एक्स तक। कुल छह प्रतिलोम वृत्ति फलन है, कुल छह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, कुल छह इनवर्स फंक्शन है। हम लोग इसको इनवर्स फंक्शन शॉर्टकट में पुकारते हैं। दूसरी बात, यहां जैसे लिखा गया है साइन इनवर्स करणी में 3/2, तो इसका तात्पर्य क्या है। यहां लिखा गया है कॉस इनवर्स 1/2, इसका तात्पर्य क्या है। तो हमें मालूम है कि साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, इसलिए 60 अंश लिख दिए। कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसलिए यहां हमने 60। यहां जैसे टैन इनवर्स 1 लिखा है, हमें पता है कि हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा कि टैन 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए हम 45 अंश। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन, माइनस वन अगर लग गया है तो इसका मतलब होता है कि यह इनवर्स फंक्शन है। कोई भी इनवर्स फंक्शन सदैव कोण को व्यक्त करता है, प्रत्येक इनवर्स फंक्शन सदैव कोण को व्यक्त करता है। अब थोड़ा फार्मूले पर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/2,
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन इनवर्स करणी के 3/4, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2/4 करणी में, क्योंकि जो हाई स्कूल में आप लोगों ने लाल बट्टा कक्का का नाम सुना है उसके अनुसार साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जब साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो संख्या है यह पलट जाएगा। प्रश्न यह पूछता है कि इन सूत्रों का प्रयोग हम कहाँ करें। तो जब प्रश्नावली के सवाल को हम लोग लगाते हैं तो सवाल को छोटा करने के लिए, उसे सुविधाजनक बनाने के लिए इन सूत्रों का सहयोग लेते हैं। जब हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है वहाँ हम देखेंगे, जिसके माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार cos inverse x बराबर sec inverse 1/x, tan inverse x बराबर cot inverse 1/x, cot inverse x बराबर tan inverse 1/x, sec inverse x बराबर cos inverse 1/x, cosec inverse x बराबर sin inverse 1/x। तो ये जो सूत्र है इन सूत्रों का प्रयोग सवाल को आसान और सरल करने के लिए किया जाता है, और जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो आप लोग को पूरी तरह से 100% स्पष्ट हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला का दूसरा रूप जो है उसे देखा जाए, जैसे लिखा है sin इनवर्स x बराबर x। इसका एग्जांपल देखा जाए यदि, तो जैसे मान लीजिए लिखा है sin इनवर्स अंडर 3/2, तो इस सूत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो बराबर अंडर 3/2 होगा। sin और sin इनवर्स ये हट जाते हैं और अंडर 3/2 बचेगा। इसी तरह से यह आगे भी जाएगा, cos इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स x बराबर x, और इसी प्रकार अन्य तीन फार्मूले होंगे sin cos tan cot sec और cosec। इस प्रकार से हम इन सूत्रों का प्रयोग भी सवाल को सरल करने के लिए करते हैं। अभ्यास के सवाल को लगाते समय हम इसका प्रयोग करेंगे और आप लोग उसको देखेंगे। अब आते हैं, देखिए इसके अतिरिक्त कुछ और सूत्र भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं और इसके अन्य सूत्रों को हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सूत्र अधिक है और एक बार यदि सूत्रों की चर्चा कर दी जाए तो पहले प्रश्नावली में सभी सूत्रों का प्रयोग होना नहीं है, जिससे हमारे मन में कन्फ्यूजन होगा। एक प्रश्नावली को पहले कंप्लीट रूप से इन सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट कर लिया जाए, फिर अन्य सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इसे देखा जाए, ये जो माइनस है यह माइनस आगे हो जाता चलाता है, और चूंकि साइन होने के नाते 1/2 है तो यह 30 अंश हो जाएगा। कारण इसका यह है, हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब साइन के आगे संख्या ऋणात्मक होती है तो ऋण आगे आ जाता है, और टेन के आगे की संख्या जब ऋणात्मक होती है, जैसे कि जैसे सवाल नंबर 6 में आप देखेंगे कि टेन इनवर्स माइनस 1, तो माइनस आगे चलाएगा। तो साइन और टेन अगर है तो माइनस में यदि संख्या है तो माइनस आगे चला जाता है,
ये फार्मूला है हाईस्कूल में आपने देखा था। लेकिन यदि कास है, कास के आगे यदि कोण माइनस में है, जैसे कि सवाल नंबर 5 में आपको देखेंगे कि कास इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, ये माइनस पर हम ध्यान नहीं देंगे, कास यानी माइनस को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। कास कितने अंश का मान माइनस वन अपॉन टू होता है यह देखेंगे। हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि कास 120 अंश का मान माइनस वन अपॉन टू होता है, इसलिए यह 120 अंश होता है। यह माइनस में यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि कास कोष्ठक में माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, इसलिए इस माइनस को यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ माइनस देखिए हट गया है, इसलिए हम यह माइनस को आगे नहीं लिखते हैं। हम कभी भी साइन और टेन इनवर्स में माइनस में यदि संख्या है तो माइनस आगे लाएंगे, कास वाले में अगर माइनस में संख्या है तो माइनस को हटा देंगे। तो यह था माइनस की कंडीशन के लिए। अन्य सवालों को देखने से पहले हम यह बता दें कि इनवर्स फंक्शन के समस्त सवालों में कोण को जो व्यक्त किया जाता है वह पाई के रूप में यानी रेडियन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि हम अंश में छोड़ देते हैं तो भी सही है, लेकिन पद्धति के अनुसार इसको पाई के रूप में व्यक्त करना अच्छा माना गया है, ठीक माना जाता है। तो पाई में कैसे बदलते हैं इसको भी जरा हम देख लें। अंश को पाई में बदलने के लिए, डिग्री को पाई में बदलने के लिए पाई अपान 180 से गुणा ये 6 बार घटेगा पाई बाई 6, यानी हम लिख सकते हैं पाई बाई 30 अंश, 45 अंश को लिख सकते हैं पाई बाई 4, 120 अंश को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो इनवर्स प्रत्येक इनवर्स फंक्शन अभी देखा गया कि प्रत्येक इनवर्स फंक्शन सदैव एक कोण को व्यक्त करता है और जो भी कोण होगा उसको पाई के रूप में यदि व्यक्त किया जाए तो वह उचित है, पाई के रूप में व्यक्त करना उचित माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया है कास इनवर्स कड़ी में 3/2, तो यह हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने कि कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई का 180 अंश से गुणा कर देंगे तो पाई बाई 3 पाई बाई 6 प्राप्त हो जाएगा। पाई का 180 से गुणा करते हैं तो पाई बाई 6 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार सेम प्रोसेस पर सवाल नंबर 10 तक आपको लगा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक के सभी सवाल, 1 से लेकर 10 तक के सभी सवाल इसी एक पैटर्न पर आधारित है। और अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 11 से फिर पुनः स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दें ताकि आप लोग के सिलेबस पर इस कोरोना वायरस का कोई प्रभाव न पड़े। और नवल अकेडमी के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें